मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है टारगेट सिविल सर्विसेज जय हो। समाज कार्य दोस्तों, जिनका विषय है PCS मुख्य परीक्षा में, उनके लिए आज से समाज कार्य पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। 10 से 15 वीडियो में प्रथम प्रश्न पत्र समाप्त हो जाएगा। समाज कार्य दोस्तों बहुत ही प्रचलित विषय है UPPCS मुख्य परीक्षा में, खासकर सरल छोटा तो है ही, व्यवहारिक भी होने के कारण यह बहुत लोकप्रिय है। हम सभी दोस्तों समाज में रहने वाले लोग हैं, सामाजिक समस्याओं को समझते हैं अच्छे ढंग से, है ना। सामाजिक समस्याएं क्या हैं, और हम में से किसी ने कभी न कभी मौका मिलता होगा किसी न किसी की समस्या को समाधान करने का, या उसका हम प्रयास करते होंगे। यही समाधान यदि हम किसी संस्था के अंतर्गत करें, कुछ नियमों या आचार संहिताओं के अंतर्गत करें, तो यही कार्य हमारा जो है वो समाज कार्य कहलाएगा। यही है समाज कार्य, इसी विषय में आपको पढ़ना है। बहुत ही सरल है, बहुत व्यवहारिक है। एक बार अगर समाज कार्य और इसकी प्रणालियों के जो संबंध में समझ है वो अगर आपकी डेवलप हो गई, तो कहीं किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कोई भी प्रश्न उठाएगा आप कर लोगे। किताबी भाषा में लिखने से आपको एक तो समझ नहीं आएगा पढ़ने से, और अगर परीक्षा में नया प्रश्न पूछ लिया तो लिख भी नहीं पाएंगे। अतः जो सामान्य बातें हैं, महत्वपूर्ण जो व्यवहारिक बातें हैं, उनको आप जानते रहिए। ठीक है, मैंने प्रयास किया है कि आपको व्यवहारिक ढंग से ही पढ़ाऊं, बहुत ही सरल ढंग से पढ़ाऊं, लेकिन चूंकि आपको परीक्षा में लिखना भी है तो उसका ध्यान देते हुए बहुत ज़्यादा व्यवहारिक भी नहीं हो सकते। तो आइए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति जो समस्या से पीड़ित है, किसी को समस्या है, समस्याग्रस्त व्यक्ति या सेवार्थी कहलाता है समाज कार्य के शब्दों में। ठीक है, तो वो अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी संस्था में जाता है। एक संस्था है, समाज कार्य संबंधित संस्था होती है, वहाँ पर जाता है। उस संस्था में कुछ प्रशिक्षित कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, वो कार्यकर्ता क्या करते हैं, उस सेवार्थी की मदद करते हैं। वो कैसी मदद करते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं संस्था के, संस्था में कुछ उपकरण या संसाधन होते होंगे। ठीक है, और उस संस्था के ही नियम कानूनों और आचार संहिता के अंतर्गत वो कार्यकर्ता उस सेवार्थी की मदद करता है, और वो मदद इस तरह से करता है कि वो सेवार्थी आत्मनिर्भर हो सके, अपना कार्य स्वयं कर सके, समाज में खुद स्वयं से, ठीक है, स्थापित अपने आप को कर सके, इस तरह से सहायता करता है। समाज कार्य इन्हीं तीनों शब्दों के इर्द गिर्द दोस्तों घूमेगा, और ये जो मदद करता है सेवार्थी की या समस्याग्रस्त व्यक्ति की, वो कुछ प्रणालियां होती हैं समाज कार्य की, उसके अंतर्गत ही करता है, उसके द्वारा करता है। ये तरीके जो होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के तरीके होते हैं। ठीक है, प्राथमिक तरीके में क्या आता है, वैयक्तिक समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य, सामुदायिक संगठन। और द्वितीयक जो सहायक जो प्रणालियां हैं उनमें क्या क्या आते हैं, समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक क्रिया, समाज कार्य शोध। ठीक है, तो एक प्राथमिक किया और द्वितीयक में अंतर क्या होता है दोस्तों। प्राथमिक प्रणालियां वो होती हैं जिसमें कार्यकर्ता और सेवार्थी का, ठीक है, एक साथ होना पाया जाता है। मतलब कार्यकर्ता सेवार्थी की डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है, जबकि सहायक जो प्रणाली होती है उसमें प्रत्यक्ष सहायता न करके अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है। ये जो छह प्रणालियां हैं, ये छह प्रणालियां भी हैं और छह अध्याय भी हैं आपको जो प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ने हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ पढ़नी है प्रथम प्रश्न पत्र में, वो समाज कार्य का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, क्षेत्र, मौलिक मान्यताएँ, व्यावसायिक रूप, दर्शन, इतिहास। तो हम शुरू करेंगे आज से, अर्थ देख लेते हैं, समाज कार्य का अर्थ। दोस्तों समाज कार्य एक वैज्ञानिक पद्धति है जो मानसिक तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए विकसित की गई है। समाज कार्य दोस्तों एक वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति, क्रमबद्ध कुछ नियम है इसके, कानून है। ठीक है, क्रमबद्ध प्रणाली है जो मानसिक तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए विकसित की गई है। किस लिए विकसित की गई है, कि किसी व्यक्ति को मानसिक या सामाजिक समस्या हो उसका समाधान हो।
जिसके द्वारा किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति की इस प्रकार सहायता की जाती है कि वह आत्मनिर्भर बन सके। समाज कार्य का उद्देश्य यही होता है कि किसी व्यक्ति की सहायता की ही जाए, साथ में उसे इस काबिल बनाया जाए कि वो आत्मनिर्भर हो जाए, अपनी सहायता स्वयं कर सके, इस समाज में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो अक्सर समाज कार्य को दोस्तों समाज सेवा, समाज सुधार, समाज कल्याण के रूप में समझ लिया जाता है। आप कहीं जाइए, बात करिए, समाज कार्य कहिए, तो ज़्यादातर लोग जो समाज कार्य से परिचित नहीं है वो यही समझेंगे समाज सेवा, समाज सुधार, समाज कल्याण। जबकि हालांकि कुछ अर्थों एवं उद्देश्यों में इनमें समानता दिखती है, लेकिन दोस्तों समाज कार्य में विशेष प्रणालियाँ होती हैं, जो हमने अभी आपको छह प्रणालियाँ बताई, प्राथमिक और द्वितीयक। आवश्यक जो है व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। जो कार्यकर्ता इसमें समाज कार्य या संस्था में कार्य करते हैं, ठीक है, वो उनकी कुछ व्यावसायिक योग्यता होती है। आप जानते हैं समाज कार्य में MA और आगे की जो कक्षाएं हैं, ठीक है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, तो व्यावसायिक योग्यता होती है, निपुणता होती है एवं अनुशासन जैसे तत्व होते हैं जो इन सब में नहीं पाए जाते हैं। समाज सेवा, समाज सुधार, समाज कल्याण, इन सब में नहीं पाए जाते हैं। तो समाज कार्य एक विशिष्ट सेवा हो गई है ना। समस्याएं दोस्तों हर युग में रही हैं, चाहे वह सामाजिक हो या मानसिक। इन्हीं मनोसामाजिक समस्याओं के निदान व समाधान का जो तरीका विकसित हुआ वही समाज कार्य है। समझ में आया इतना? श्रीमती हेलेन क्लार्क जो एक समाज कार्य विशेषज्ञ हैं, ठीक है, समाज कार्य की विचारक हैं, इन्होंने 3 कालों के आधार पर समाज कार्य को समझाने का प्रयास किया है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में इनका कहना है कि दीन दुखियों की सहायता धार्मिक भावना से प्रेरित होकर की जाती थी, जिसका लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति था। अतः सहायता दान, दया तथा परोपकार के रूप में थी। दोस्तों आप हेलेन क्लार्क का नाम दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये हेडिंग आप प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल नहीं भी दे सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को पॉइंट में भी बता सकते हैं, ठीक है, अपने विचारों में लिख सकते हैं कि प्राचीन काल में दीन दुखियों की सहायता धार्मिक धर्म की भावना से प्रेरित होकर की जाती है, की जाती थी, जिसका लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। अतः जो सहायता होती थी दान, दया तथा परोपकार के रूप में होती थी। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ, मानव सभ्यता का विकास हुआ, उसके साथ नई नई समस्याओं का जन्म हुआ, ठीक है, समस्याएं विशिष्ट होती गईं, इनके साथ सहायता का जो भी स्वरूप था, जो परोपकार और दान दया का था, वो स्वरूप जो था, जो धर्म के आधार पे था, वो भी परिवर्तित हो गया। अब वो धर्म पे आधारित न होकर के मानवतावाद पर आधारित हो गया, ठीक है, मनुष्य मनुष्य के प्रति जागरूक हुआ और उसने जो सहायता करनी शुरू की उसको अपना कर्तव्य समझा। तब वो धर्म की भावना से करता था, लेकिन अब यहाँ पर मानवता डेवलप हुई कि नहीं, मनुष्य हूँ तो मनुष्य की सहायता करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। आधुनिक काल में क्या हुआ दोस्तों, कि आधुनिक काल में समाज कार्य और ज़्यादा जो है समस्याएं विशिष्ट होती गईं, ठीक है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो व्यावसायिक रूप में जो व्यावसायिक सेवा के रूप में यहाँ विकसित हुआ समाज कार्य, जो कि मानवतावादी दर्शन पर ही आधारित है। सहायता के लिए वैज्ञानिक ज्ञान व मानव संबंधों की निपुणताओं का प्रयोग होने लगा। सेवार्थी की इस प्रकार सहायता की जाने लगी कि वह आत्मनिर्भर बन सके। ये था दोस्तों समाज कार्य का अर्थ। अब परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा जब भी हम देंगे किसी भी विषय में परिभाषा हम लिखेंगे, तो ज़रूर किसी न किसी हमको विचारक का नाम उसमें देना होगा, उसके द्वारा दी गई परिभाषा देनी होगी। यही एक चीज है परिभाषा दोस्तों, जिसमें हम अपने शब्दों का यूज बहुत कम करेंगे, ठीक है। तो समाज कार्य का विकास अलग अलग देशों में वहाँ की परिस्थिति तथा विशेषताओं के आधार पर हुआ, अतः इसकी सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। समाज कार्य का विकास जो हुआ, हर देश की अपनी अपनी समस्याएं हैं, वहाँ के लोगों का अलग अलग रहन सहन है, किसी भी समस्या का क्या प्रभाव पड़ता है, अलग अलग व्यक्ति पे प्रभाव पड़ता है, तो इस हिसाब से जो है परिस्थिति और विशेषताओं के आधार पर समाज कार्य का विकास अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से हुआ। इसलिए
कोई भी आज तक इसकी सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकी है, बहुत ही कठिन है देना। फिर भी समाज कार्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सामाजिक विकास के क्रम में विभिन्न विद्वानों ने समाज कार्य को परिभाषित किया है। ठीक है, तो इसमें जो है सर्वप्रथम एलिस चेनी ने स्वैच्छिक प्रयासों के आधार पर समाज कार्य को परिभाषित किया। एलिस चेनी ने स्वैच्छिक प्रयासों के आधार पर समाज कार्य को परिभाषित किया। इनके अनुसार समाज कार्य में सभी स्वैच्छिक प्रयास शामिल हैं। मैंने दोस्तों एलिस चेनी की आप कहीं भी परिभाषा पढ़ें थोड़ी कठिन दी है, मैंने सरलतम रूप में उसको लिखा है। ठीक है, चूँकि इंग्लिश में है तो हिंदी में हम थोड़ा सरल उसको कर सकते हैं। समाज कार्य में सभी स्वैच्छिक प्रयास शामिल हैं जिनका उद्देश्य उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना है जिनका संबंध सामाजिक समस्याओं से है। समझ में आया दोस्तों? इनके कहने का अर्थ था कि समाज कार्य में स्वैच्छिक प्रयास शामिल है, मतलब हमारी स्वेच्छा से जो हम प्रयास करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है कि सामाजिक समस्याओं से जो संबंधित आवश्यकताएं हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति की, समूह की, संगठन की, ठीक है, उसको हम पूर्ण कर सकें, यही समाज कार्य है। ठीक है, तो एलिस चेनी ने अपनी परिभाषा में केवल स्वैच्छिक प्रयास को महत्व दिया। ठीक है, इनकी परिभाषा में कमी क्या थी, इन्होंने केवल स्वैच्छिक प्रयास को महत्व दिया दोस्तों, जबकि समाज कार्य के अभ्यास में स्वैच्छिक प्रयासों के साथ साथ सार्वजनिक प्रयासों का भी महत्व है। सामाजिक विकास के क्रम में बिटमर ने समाज कार्य को संस्था, सेवार्थी और उनके कार्य के आधार पर परिभाषित किया। ठीक है, बिटमर महोदय का कहना था कि समाज कार्य में जो सेवा की जाती है वो निश्चित नियम और आचार संहिता के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, हालांकि बिटमर महोदय ने अपने दृष्टिकोण में व्यावसायिक पक्षों का उल्लेख नहीं किया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर छूट गया है, आप लिख कर लीजिएगा इसको करेक्ट, कि बिटमर ने अपने दृष्टिकोण में व्यावसायिक पक्षों का उल्लेख नहीं किया। ठीक है, ये इनकी कमी थी। ठीक है, तो सामाजिक विकास के क्रम में आगे जाकर समाज कार्य को व्यावसायिक आधार पर स्पष्ट किया गया, व्यवसाय के आधार पर स्पष्ट की गया। समस्याएं जो है बढ़ती गईं, समस्याओं का स्वरूप जो है विशिष्ट होता गया, जटिल होता गया, उसके समाधान के लिए फिर विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता पड़ने लगी, तो इसका व्यावसायिक रूप आया। ठीक है, तो व्यावसायिक आधार पर स्पष्ट किया गया, जिसमें फ्रीडलैंडर का विशेष योगदान, फ्रीडलैंडर बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी परिभाषा आपको अवश्य लिखनी है। ठीक है, इनके अनुसार समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान और मानव संबंधों की निपुणता पर आधारित है। यूएसए के इनके अलावा एक बार और हम पढ़ लेते हैं फ्रीडलैंडर की परिभाषा को। समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान और मानव संबंधों की निपुणता पर आधारित है। ठीक है, तो यूएसए के सोशल अफेयर डिपार्टमेंट ने एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के द्वारा समाज कार्य की सर्वमान्य परिभाषा दी है दोस्तों। ठीक है, देने का प्रयास किया किंतु ऐसा नहीं हो पाया। बहुत सारे विद्वानों से इन्होंने प्रतिवेदन मंगवाया कि समाज कार्य की एक सर्वमान परिभाषा दी जाए। ठीक है, लेकिन सर्वमान परिभाषा कोई नहीं दे पाया, सबका अलग अलग रहा। ठीक है, फिर भी इसमें से तीन मूलभूत विशेषताएं उभर कर सामने आईं जिसे सभी ने स्वीकार किया। ये विशेषताएँ निम्न हैं, क्या क्या विशेषताएँ, तीन मूलभूत विशेषताएँ क्या उभर कर आईं, कि समाज कार्य एक सहायक क्रियाकलाप है, समाज कार्य एक सामाजिक क्रियाकलाप है और समाज कार्य एक संपर्क क्रियाकलाप है। ठीक है, समाज कार्य एक सहायक क्रियाकलाप है, सामाजिक क्रियाकलाप है और संपर्क क्रियाकलाप है। इस प्रकार समाज कार्य एक सहायता मूलक प्रणाली है जिसके द्वारा सेवार्थी की इस प्रकार सहायता दी जाती है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके या स्वावलंबी बन सके। समाज कार्य का उद्देश्य देख लेते हैं, उद्देश्य पूछा जाता है। ठीक है, समाज कार्य का उद्देश्य मनोसामाजिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बहुत सरल चीज है। ठीक है, उद्देश्य समाज कार्य का क्या है, कोई भी प्रणाली हो समाज कार्य की, छवों प्रणाली, छवों का उद्देश्य यही है कि मनोसामाजिक समस्याएँ जो उससे ग्रसित व्यक्ति हैं, ठीक है, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बीजी खेर महोदय ने
समाजकार के उद्देश्य को 5 दानवाकार बुराइयों से लड़ने के रूप में स्पष्ट किया है, जो इस प्रकार है। बीजी खेर महोदय ने क्या कहा है कि समाजकार का उद्देश्य 5 दानवाकार बुराइयां हैं, उनसे लड़ना ही समाजकार का उद्देश्य है। वो 5 दानवाकार बुराइयां क्या हैं? भौतिक आवश्यकता, बीमारी, अज्ञानता, मलिनता और निष्क्रियता। तो उद्देश्य अगर और देखा, समाज कार्य को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। उद्देश्य क्या करते हैं दोस्तों कि समाज कार्यकर्ता को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। समाज कार्यकर्ता को पता होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है, हमको करना क्या है। तो ये उद्देश्य उनको कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, जिससे समाज कार्यकर्ता सरलता से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। समाज कार्य के और प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, ठीक है, कि सेवार्थी को स्वावलंबी बनाना, व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाना, सुंदर मतलब व्यक्ति के जीवन को जीवन योग्य, ठीक है, जीवन की जो आवश्यकताएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं एक व्यक्ति को साधारण जीवन जीने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, वैसा जीवन बनाना। लोकतांत्रिक व मानवतावादी मूल्यों का विकास करना। लोकतांत्रिक मानवतावादी मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ठीक है, ये सब जो लोकतांत्रिक व मानवतावादी मूल्य हैं, इनका विकास करना। व्यक्ति, समूह, समुदाय की आवश्यकता की पूर्ति करना। मनोसामाजिक जो कारण से उत्पन्न जो समस्याएं हैं, मनोसामाजिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना। व्यक्ति में आत्मनिर्धारण व आत्मनिर्भरता की क्षमता का विकास करना। तो ये थे हमारे उद्देश्य। समाज कार्य का क्या उद्देश्य था ये आपने देखा।